बारिश का मौसम हो और ऐसे टेस्टी और स्मोकी मुंह में मेल्ट हो जाने वाले कबाब्स मिले तो मज़ा ही आ जाए। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार से डिश। तो शुरू करते हैं कबाब की चटनी से। तो मैंने यहाँ पर एक बंच धनिया लिया है, फ्रेश धनिया। उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। दो हरी मिर्च ली है मैंने, थोड़ी सी अदरक ली है, एक टीस्पून ले रही हूँ जीरा, दो क्लोव्स ले रही हूँ गार्लिक के, आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। वन टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट, आप अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। और इसको थिकनेस देने के लिए चटनी को मैंने यहाँ पर लिया है बीकानेरी भुजिया 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें बूंदी डाल सकते हैं, दरिया दाल आती है वो डाल लें, मूंगफली डाल लें या फिर नायलॉन सेव भी डाल सकते हैं। और इसको कबाब वाली चटनी बनाने के लिए हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच दही और इसका कलर रिटेन करने के लिए थोड़ी सी आइस। ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है, हमारी चटनी एकदम रेडी हो गई है। तो अब हम अपने कबाब्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है सोया चंक्स, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और आप चाहें तो इसकी जगह ये सोया ग्रैनुअल्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 से 3 कप पानी लिया है, बॉयल हो गया है पानी हमारा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 पिंच डाली है हल्दी, ये ऑप्शनल है। और फिर हमारी जो सोया चंक्स थे वो इसमें डाल दूंगी और इसको हमें कुक करना है 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स में ही हम देखेंगे कि ये फूल गए हैं और ये कुक हो गए हैं। बस हमें इसे ड्रेन कर लेंगे और फिर हमें इसे अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोया चंक्स में एक हल्की सी स्मेल होती है, तो हम ऐसे स्क्वीज़ करके इसको अच्छे से वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगी और हमारे कबाब्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैंने सोया चंक्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसका स्क्वीज़ करके एक्सेस वाटर जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर होगा हमें उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग के लिए बेसन या कॉर्नफ्लावर वगैरह डालना पड़ेगा। तो मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये ऐसे ग्रैनुलर टेक्सचर में है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चॉपर ले रही हूँ, एक अनियन डाला है उसमें, थोड़े से धनिया के स्टेम्स, 2 हरी मिर्च और 3-4 क्लोव्स गार्लिक के लिए हैं, थोड़ी सी अदरक। और इसको मैं ऐसे दर दरा सा चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसको हल्का सा कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें से भी एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ। किसी भी मसलिन क्लॉथ के थ्रू आप इसको स्क्वीज़ करके निकाल सकते हैं। हम पानी बाद में चाहे फिर भी डाल लें, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे कि पानी की अमाउंट हमारी कम से कम हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप धनिया पत्ती, 1/4 कप डाल रही हूँ चॉप किया हुआ फ्रेश पुदीना, अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें इसमें। और अब 1/2 टीस्पून ले रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने बॉयलिंग में भी पहले डाल दिया था सॉल्ट। 1/2 टीस्पून काला नमक भी डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ले रही हूँ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून ले रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चने का सत्तू। आप चाहें तो इसकी जगह रोस्टेड बेसन भी डाल सकते हैं। चने का सत्तू बहुत ईजिली बन जाता है, इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जस्ट 1 मिनट में ही घर में सत्तू बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी, अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं साफ हाथों से ऐसे इसको स्क्वीज करते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते हुए हम ये चेक करेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो बाइंड हो रहा है कि नहीं। ये एकदम अगर बिखर रहा होगा तो ये इसमें अभी हमें कॉर्नफ्लावर या मैदा या बेसन कुछ भी बाइंडिंग के लिए डालने की ज़रूरत है। मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी बाइंडिंग की ज़रूरत है। मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो इसमें मैदा या फिर रोस्टेड बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। और फिर मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड किया है इसमें। इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हमारे मिक्सचर के मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। वैसे अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून हमारा लग जाएगा। बाइंडिंग की चीज़ें हम कम से कम ही डालें, नहीं तो हमारे कबाब्स ड्राई हो सकते हैं और परफेक्ट एकदम मुंह में घुलने वाले कबाब का टेक्सचर नहीं आ पाएगा। तो मैं एक छोटा सा बॉल लेके इसमें फ्राई करके चेक कर रही हूँ, अगर ये बिखर नहीं रहा है ऑयल में तो हमारा मिक्सचर रेडी है। देखिए एकदम परफेक्टली निकल रहा है। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं कबाब, हमें इसको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है। अब हमारा मिक्सचर रेडी है, अब मैं इसमें दूंगी एक बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर। उसके लिए मैंने एक चारकोल गरम किया है, उसमें घी डाल रही हूँ और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें जितना भी ये स्मोक है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यही हमारे कबाब्स के टेस्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। और जब तक ये इन्फ्यूज़ हो रहा है हम बनाते हैं झटपट से लच्छा प्याज, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कबाब्स के साथ। मैंने यहाँ पर एक अनियन को रिंग्स में काट कर और फ्रिज में रख दिया था ठंडे पानी में ताकि ये एकदम क्रिस्प रहे। और उसके बाद अब इसकी रिंग्स को अलग
कर रही हूँ, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून डाला है लेमन जूस। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, हमारा लच्छा प्याज भी रेडी है। अब हमारा ये भी बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है मिक्सचर। तो अब हम बनाते हैं हमारे कबाब्स। इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके दिखाऊंगी। तो पेंसिल सबसे ईजी है, जो सबके घर में ईजिली अवेलेबल होती है। तो ऐसे एक छोटा सा बॉल लें और इसको हम ऐसे शेप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि एंड्स पे हमें इसको ज़रूर प्रेस करना है। एक बार आपको देख के काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा डेलिकेटली करना है। 1 या 2 बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर ना बने तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो फ्लैट वाले जो कबाब मैंने शुरू में बनाया था वैसा आप बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एक बार ट्राई तो करके देखें। बहुत ही ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हाँ, ये जो पतले वाले स्कीवर्स हैं इस पर मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी सेट करने में, बट ये भी हो जाता है। बस पानी का हाथ लगाते जाएं और इसको शेप करते जाएं। एक और चीज़ है जिस पे मैं बहुत इजीली बना पाती हूँ, ये है चॉपस्टिक। जो हम चाइनीज़ वगैरह खाते हैं चॉपस्टिक से, वही चॉपस्टिक है। बहुत इजीली बनता है, फटाफट से उस पे भी हम आराम से बना सकते हैं। बस ऐसे पानी का हाथ लगाते जाना है और शेप करते जाना है। आप आइसक्रीम स्टिक पर भी इसको आराम से बना सकते हैं। राउंड वाले कबाब्स और इसकी सिकने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये अंदर से जो हॉलो होते हैं तो ये एकदम अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी भी होते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। हम एक साथ बहुत सारे ना बनाएं, हम 3-4 बना लें, फिर इसको आराम आराम से फ्राई करते रहें। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर आप खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, इससे टेस्ट इसका इन्हांस हो जाएगा। और ऑयल को हम मीडियम हॉट रखेंगे और एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें। और प्लस डालते ही तुरंत से उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 1 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से सेट होने दें, उसके बाद ही आप उसको टच करें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। बस फ्लेम मीडियम हो और ये देखिए हमारे सारे कबाब्स फ्राई हो गए हैं फटाफट से। और अब हम इसको प्लेट करते हैं। इन कबाब्स का टेक्सचर, मसालों का कॉम्बिनेशन और प्लस ये स्मोकी फ्लेवर, यही तो इन कबाब्स को एकदम लाजवाब बनाता है। अब मैं इसको ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना बढ़िया सा अंदर से टेक्सचर है, मुँह में डालेंगे तो एकदम मेल्ट हो जाएगा। अगर आप फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको ग्रिल पे या तवे पे सेक सकते हैं। ऐसे मैंने स्कीवर्स में और आइसक्रीम स्टिक्स में लगा के इसको ग्रिल पैन पे सेक लिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।